हाय एवरीवन, आज हम बनाएंगे बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी मसूर दाल। इसकी रेसिपी बहुत ही आसान है। एक कटोरी मसूर दाल लेंगे, 5 से 6 कटी हुई लाल खड़ी मिर्च, 1 बड़ी प्याज कटी हुई, आमचूर सूखा। सबसे पहले दाल को कुकर में डाल के धुल लेंगे। अब इसमें मिर्च ऐड कर देंगे, इसके बाद में प्याज हम आधा डालेंगे, आधा हम बघारने के लिए बचाएंगे, आधे प्याज की हम छौंक लगाएंगे। अब इसमें आमचूर डालेंगे, आमचूर नहीं है तो आप कच्चा आम भी डाल सकते हैं या तो आप दही ले सकते हैं। अब इसमें पानी डाल लेंगे, नमक लेंगे स्वादानुसार, हल्दी लेंगे 1/2 टीस्पून, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। कुकर को ढक्कन लगा के चढ़ा दिया है गैस पे, इसे हम 3 सीटी में बंद कर देंगे। आप अपने कुकर के हिसाब से देख लेंगे। ये देखिए बहुत अच्छा, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हो चुका है। दाल बिल्कुल गल चुकी है। 4 टेबलस्पून मैंने सरसों तेल लिया है, उसको गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। अब इसमें हम बची हुई प्याज डाल के इसमें छौंक लगाएंगे। ये देखिए दाल बिल्कुल रेडी हो चुकी है और ये बहुत ही सिंपल है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है। अब हम इसको सर्व करेंगे। आप चाहे तो सरसों तेल की जगह पे घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर अगर नहीं है तो आप तेल यूज़ करें, पर हम इसमें ऊपर से घी डाल के खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। मैं इसमें थोड़ा सा घी लूँगी ऊपर से। दाल में अगर घी पड़ जाए तो इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। ये देखिए बहुत ही अच्छी, बहुत ही आसान मसूर दाल की रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।